स्वागत है आपका पद्मेश 24/7 में। मैं हूँ अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव को लेकर कलेक्टर दीपक आर्य ने ली नोडल और पुलिस अधिकारियों की बैठक। चुनाव को लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। 150 आवेदनों पर की गई हाईटेक जनसुनवाई। समस्या का त्वरित निराकरण किए जाने की दिए निर्देश। तहसीलदार के जनसुनवाई से गायब रहने पर अधिवक्ताओं में रोष। लालबर्रा में दो मंजिला निर्माणाधीन मंडी का हो रहा घटिया निर्माण। पूर्व मंडी सदस्य ने निरीक्षण कर लगाया आरोप। वन विभाग की टीम ने ग्राम सेलवा में की छापामार कार्रवाई। अवैध बल्लियों से भरे ट्रैक्टर को जब्त कर दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। और वारासिवनी एसएसपी महाविद्यालय में आर्थिक अनियमितता की जांच करने पहुंची नेक टीम। सांसद प्रतिनिधि ने की थी शिकायत। प्राचार्य ने आरोपों को बताया निराधार। और अब समाचार विस्तार से। आगामी समय में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए जिला स्तर पर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। इस चुनाव को लेकर जहां एक ओर 1 फरवरी से ईवीएम और वीवीपैट मशीन को चेकिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है, तो वहीं जिले में लोकसभा चुनाव के सुव्यवस्थित संचालन के लिए 168 सेक्टर ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य ने कलेक्टर सभागृह में नोडल और पुलिस अधिकारियों की एक बैठक ली। लोकसभा चुनाव 2019 की तैयारियों को लेकर यह विस्तार चर्चा आयोजित की गई है। इस बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य ने संबंधित अधिकारियों के मतदाता बूथ, मतदाता केंद्रों की समस्त व्यवस्थाएं, मतदान का समय, ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का संचालन सहित अन्य व्यवस्थाओं का अवलोकन करके ये दिशा निर्देश जारी किए। वहीं पुलिस अधिकारियों को निर्वाचन प्रक्रिया के समय लगने वाली आचार संहिता और मतदान के दिन कानून व्यवस्था दुरुस्त किए जाने की बात कही। शिव साई सेवा समिति आजाद चौक द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी श्री साई बाबा की पालकी रथ यात्रा और विशाल भंडारे का आयोजन आगामी 7 फरवरी को किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए कार्यक्रम के संयोजक एकांश पिपलेवार ने बताया कि शिव साई सेवा समिति द्वारा यह आयोजन विगत 5 वर्षों से किया जा रहा है। 6 फरवरी की शाम को भव्य शाही पालकी निकाली जाएगी, जो आजाद चौक से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए शिव शाही मंदिर पहुंचेगी, जहां श्री शाही नाथ को चादर चढ़ाई जाएगी। विगत 5 वर्षों से शिया सेवा समिति विशाल शाही महोत्सव का आयोजन बहुत ही भव्य रूप से करती है। इस कार्यक्रम में विशाल शोभा यात्रा बाबा की पालकी निकाली जाती है, जो समस्त नगर भ्रमण करते हुए शिव शाही मंदिर देवी तालाब के वहाँ जो शिवशाही मंदिर है वहाँ पे बाबा को चादर अर्पण की जाती है। उसके बाद पालकी पूरा नगर भ्रमण करते हुए अपने समाप्ति स्थान पर आकर ख़त्म होती है। इसके बाद शिवशाही सेवा समिति 7 फरवरी 2019 को दोपहर 12 बजे से बाबा का विशाल भंडारे का आयोजन करती है। कहाँ किया गया है ये आयोजन? आजाद चौक होटल मल्लिकार्जुन के सामने आयोजित किया गया। यातायात जागरूकता राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत मंगलवार को उत्कृष्ट विद्यालय में रंगोली निबंध, चित्रकला और स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विद्यालय के 200 से अधिक छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इसके संबंध में जानकारी देते हुए उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य आर के लटारे ने बताया कि यातायात जागरूकता को लेकर आयोजित इस प्रतियोगिता में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया है। बुधवार को इस जागरूकता सप्ताह में वाद विवाद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा।
यातायात सप्ताह का आयोजन, जिसके अंतर्गत आज हमारे विद्यालय में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों की रंगोली प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता और स्लोगन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है और कल वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसमें कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक की विद्यालय के कुल 245 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। नगर पालिका परिषद बालाघाट द्वारा शहरी समृद्धि पखवाड़ा 1 फरवरी से 15 फरवरी तक चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसी क्रम में मंगलवार को कमला नेहरू कन्या महाविद्यालय की छात्राओं को नगर पालिका के आश्रय स्थल का भ्रमण कराया गया, जहां छात्राओं को बताया गया कि वे किस तरह बेघर और लाचार लोगों को आश्रय प्रदान कर उनकी मदद कर सकते हैं। इस संबंध में चंदन प्रजापति के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। आश्रय स्थल चाहिए तो आप लोग यहाँ भी रुक सकते हैं, 20 रुपए पर हेड चार्जेस। और जैसे आप लोग कोई दूसरा व्यक्ति अगर परेशान हो रहा हो आपके शहर में, आपके एरिया में, तो आप उसे यहाँ का एड्रेस दे सकते हो। ये नगर पालिका बालाघाट की तरफ से व्यवस्था है। मैंने क्या, नगर पालिका में कौन है, हम सब नगर पालिका है। नगर पालिका में जो व्यक्ति विशेष होते हैं, जो शहरी क्षेत्र होता है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में जो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है, जो जिसको दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के नाम से भी जाना जाता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश में अगर एब्रीवेट करें उसको दे एनुलेम बोलते हैं। इस योजना के अंतर्गत ये निर्माणाधीन हुआ है, इसको आश्रय स्थल बोलते हैं। पहले समय इसको नगर पालिका परिषद बालाघाट के अंतर्गत शहरी समृद्धि जो पखवाड़ा चल रहा है 1 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक, उसमें आज राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का जो एक कंपोनेंट है अपना SUH, उसमें आश्रय स्थल के आज जो हमारे कॉलेज के छात्र छात्राएं उनका विजिट कराया गया। उनको बताया गया कि जो हमारे शहरी बेघर हैं, जिनके घर में जिनके ऊपर छत नहीं है, ऐसे हितग्राही, ऐसे कोई लाचार कोई बेघर लोग मिलें तो ये आश्रय स्थल में ला के वो यहाँ पे इनको बता सकते हैं, यहाँ पे इनको मोबिलाइज करके यहाँ पे छोड़ सकते हैं, जिससे कि उनके छत पे भी इनको रहने और ठंड का मौसम है, बरसात के मौसम में यहाँ रहने की व्यवस्था भी की जा सकती है। तो शहरी समृद्धि उत्सव में हमारे और भी कॉम्पोनेंट्स है, जैसे डे NULM स्वरोजगार योजना के संबंध में, स्वरोजगार कार्यक्रम के संबंध में, स्वयं सहायता समूह के संबंध में और कौशल प्रशिक्षण के संबंध में और भी कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित इस पखवाड़े में करेंगे। कलेक्टर कार्यालय में हाईटेक जन सुनवाई मंगलवार को आयोजित की गई, जिसमें जिले भर से आए लोगों ने अपनी समस्याएं प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष रखी। आयोजित इस जन सुनवाई में जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के आदेश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए गए। मंगलवार को आयोजित इस जन सुनवाई में धान खरीदी केंद्र ग्राम खापा में हमाली का काम करने वाले कुछ हमाल पहुंचे, जहां उन्होंने बेरोजगारी का हवाला देते हुए गांव के कैंप में ढुलाई का काम दिए जाने की गुहार लगाई। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि कलेक्टर दीपक आर्य व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने धान खरीदी कैंप में काम करने वाले सभी हमालों को कैंप में कार्य देने की बात कही थी, लेकिन उन्हें कैंप में काम नहीं दिया जा रहा है। काम के वजह से आए थे, यानी क्या काम के वजह से? हमाली काम, कैंप में। कैंप में आप हमाली करते थे? हाँ। धान तो लाएगी? हाँ। तो क्या हो गया वहाँ से? काम बंद हो गया, तो अब हमको कैंप में काम करना करने के लिए होना बोल रहे थे। किसने आदेश? कलेक्टर ने आदेश दिया। क्या बोला था? यहाँ का काम खत्म होने के बाद आपको वहाँ पर काम में लिया जाएगा। फिर तो लिए काम पे? काम पे नहीं लिए। नहीं लिए काम पे, तो अब यानी आप बेरोजगार हो गए क्या आप लोग? तो क्या निवेदन करने आए कलेक्टर से? आवेदन लगाने आए थे यहाँ पे, कि कलेक्टर बोले थे कि भैया जहाँ से काम खत्म हो जाएगा तो आपको काम में लगाने की जिम्मेदारी हमारी। वहीं इस जनसुनवाई में ग्राम पंचायत भरवेली के वार्ड पंच आमिन खान ने पंचायत कर्मचारियों को कलेक्टर दर पर भुगतान किए जाने की मांग को लेकर अपना आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने एक कर्मचारी को छोड़कर बाकी सभी पंचायत कर्मचारियों की उपेक्षा किए जाने का आरोप लगाया। हमारे ग्राम पंचायत में लगभग 12 से 13 कर्मचारी है, उसमें से एक ही कर्मचारी को कलेक्टर रेट दिया जा रहा है, बाकी कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा। अब बाकी कर्मचारी भी वर्षों से उस ग्राम पंचायत में कार्यरत है, उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इस कारण मुझे आज जनसुनवाई में आके कैसा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है उनके साथ? उनकी जो मानसिक भुगतान ग्राम पंचायत जो कर रही है वो लगभग 800 हज़ार 1200 1500 रुपये दे रही है बस। जबकि कितना मिलना चाहिए उनको? जब कलेक्टर से उनका वेतन लगभग
272-273 रुपये उनको मिलना चाहिए रोजाना, जो नहीं मिल पा रहा उनको। तो इसके पहले भी कभी कुछ आवेदन दिए थे? इसके पहले हमारे द्वारा मुख्य मीटिंग में, पंचायत के मुख्य मीटिंग में प्रस्ताव लिया गया था कि कर्मचारियों की वेतन में वृद्धि की जाए, और सचिव महोदय द्वारा वेतन में वृद्धि नहीं की जा रही है। आयोजित जनसुनवाई में गोंड समाज महासभा की जिला इकाई में अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए उनकी सभी मांगे पूरे किए जाने की गुहार लगाई। साथ ही मांगे पूरी न होने पर उन्होंने जन आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी। 14 सूत्रीय मांग है। पहली मांग हमारी है, मध्य प्रदेश के जिला मुख्यालय में पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक बालिका छात्रवास जो 50-50 सीटों वाला आज़ादी के बाद से चल रहा है, तो शिक्षा के स्तर को देखते हुए जिला मुख्यालय पर 200 सीटर बालक बालिका छात्रावास खोला जाए, ये हमारी पहली मांग है। और दूसरी मांग है गोंडी भाषा को मध्य प्रदेश में राज्य भाषा का दर्जा दिया जाए, साथ ही गोंडी भाषा को संविधान की अनुसूची 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए राज्य सरकार की ओर से गोंडी भाषा को मान्यता दिलवाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाए। तीसरी मांग है गोंडी भाषा विलुप्त ना हो जाए, इसलिए तैयारी की गई गोंडी भाषा के शब्दकोश का प्रकाशन सरकार संस्कृति विभाग के माध्यम से कराया जाए। इन इतनी कितनी मांगे हैं? ये 14 मांग है। कब से कर रहे हैं ये सब मांगे आप? ये मांग तो हमारा बहुत पहले 8-10 सालों से चले आ रहा है। कि क्यों सरकार आपकी मांगे कुछ सुनवाई नहीं कर रही है, या क्यों आपकी उपेक्षा की जा रही है? ये तो अब सरकारी बताए। अच्छा, ये बताओ कि जैसे कि ये मांग पूरी नहीं होती क्योंकि इतने वर्षों से आप कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है जी, अब अगला कदम क्या होगा? अगर ये मांगे पूरी नहीं होगी तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, सरकार को दिखाएंगे कि हम इतनी संख्या में गोंड समाज के लोग हैं और अपनी धर्म संस्कृति और अपनी समस्याओं को हमेशा सरकार से मांग करती आ रही है और नहीं करेगी, तो लास्ट विकल्प बचता है कि हम कुछ आंदोलनों के माध्यम से ही अब काम करेंगे, ज्ञापनों के माध्यम से तो बहुत हो गया। आयोजित इस जनसुनवाई में सीएम सीएलडीपी बालाघाट में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के अभिभावक पहुंचे, जहां उन्होंने विद्यार्थियों की फीस माफ किए जाने और पूर्व में संचालित संबल योजना का लाभ दिए जाने की मांग की। साथ ही उन्होंने बीएसडब्ल्यू की क्लास पुनः शुरू किए जाने की भी मांग की। बच्चों के साथ में आने का एक कारण यह है कि विगत 3-4 सप्ताह से ये जो बीएसडब्ल्यू की क्लास है वो लग नहीं रही है। क्यों नहीं लग पा रही क्लास? इसका रीज़न ये है कि चुनाव के पहले ये क्लास लगातार चली और ये विगत 3 साल चौथा वर्ष है इसका, और चौथा वर्ष में निरंतर ये क्लास चलती रही, और ये चुनाव के बाद में शायद इसी में माननीय मुख्यमंत्री जी अभी जो वर्तमान में हैं उनको इस योजना के बारे में शायद समझ में नहीं आ रहा हो। इसमें क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, छात्र छात्रा हैं, ये लोग संडे के संडे एक क्लास लगती है और इस क्लास में ये लोग समाज कार्य के पर विषय के ऊपर में ये ज्ञान प्राप्त करते हैं, अध्ययन होता है इनका, और इस अध्ययन को लेके यानी शासन की जितनी भी योजना हैं प्रचार प्रसार को लेके या कल्याणकारी योजनाओं को लेके, तो स्टूडेंट के माध्यम से ये गांव में प्रचार प्रसार किया जाता है और इनके माध्यम से प्रदत्त कार्य किया जाता है। इस क्या क्या लगता है आपको, क्या कितने बंद कर दिया होगा क्लासेस? नहीं, माननीय मंत्री जी को की नॉलेज में बात ये है या नहीं है, पर वित्त मंत्री सांख्यिकी विभाग से चर्चा हुई थी तो उनने वो यही बोला था कि हमारे नॉलेज में ये बात नहीं है और इसकी हम थोड़ी सी जांच करवाएंगे, उसके बाद अपन इस क्लास को चालू करवाएंगे। तो वर्तमान सरकार ने बंद कर दी क्या? वर्तमान सरकार ने अभी बंद। मंगलवार को आयोजित इस जनसुनवाई में ग्राम पंचायत टेमनी टोला में रहने वाले कुछ ग्रामीण पहुंचे, जहां उन्होंने विकास कार्यों का हवाला देते हुए ग्राम चौंदा टोला, दीना टोला और जूनेवानी टोला के ग्राम पंचायत टेमनी से अलग कर नई पंचायत घोषित करने की मांग की। क्या नाम आपका? मुन्नालाल मिश्रा। कहाँ से आए आप? हम टेमनी चौंदा टोला से। अच्छा, क्यों आए थे यहाँ पर आप? यहाँ इसलिए आए कि हम पंचायत अलग करना चाहते हैं अपने गाँव। क्यों पंचायत अलग करना चाहते हैं? कोई विकास नहीं हो रहा है हमारे यहाँ का। क्यों नहीं हो पा रहा विकास आप लोग का? क्योंकि सरपंच जो है ज़्यादा अधिकार, सबने टेमनी का ज़्यादा विकास करना चाहता है और चौंदा टोले का विकास, जुनवानी का, दीना टोले, कोई विकास ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो कितने लोग रहते हैं आपके टोले में? हमारे टोले पे सर 2100 कुछ आबादी है, दीना टोला, चौंदा टोला लगा हुआ है सर। जुनवानी कब से विकास नहीं हो पा रहा?
ये तो पहले से विकास नहीं हुआ, अंग्रेजों के राज से कोई विकास नहीं हुआ मान के चलो, अभी अभी थोड़ा थोड़ा रोड बन रही है, हो रही है, नहीं तो पूरा बेहाल था। नहीं तो मतलब कारण क्या लग रहा है मेन आपको? कारण वही है सर कि ज़्यादा विकास नहीं हो रहा है, पेयजल की ज़्यादा समस्या है, बच्चों का भविष्य ज़्यादा बिगड़ रहा है। हर बच्चों को पहले साइकिलें मिलती थी छठवीं नवी वालों को, अभी साइकिलें बंद हो गई, वो लड़के छोटे छोटे मुँह करके बेचारे चुपचाप रोना चालू कर। ग्राम पंचायत बोरी के कुछ ग्रामीणों ने गांव में माध्यमिक शाला भवन का निर्माण कराए जाने की मांग को लेकर जन सुनवाई में अपना आवेदन प्रस्तुत किया। ज्ञापन के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव में पिछले 4 वर्षों से माध्यमिक शाला चलाई जा रही है, लेकिन माध्यमिक शाला का भवन निर्माण न होने के चलते प्राथमिक शाला के भवन में ही माध्यमिक शाला का संचालन किया जा रहा है, जिसके चलते प्राथमिक शाला की पढ़ाई करने वाले बच्चे पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे। क्या नाम आपका? मैं श्रीमती गीता कटरे ग्राम बोरी से हूँ और मैं कुमारी अंशु कटरे की मम्मी हूँ। यहाँ क्यों आए थे आप? यहाँ सर हम लोग माध्यमिक शाला भवन यानी बोरी का 4 साल से हमारे गांव में क्या है माध्यमिक शाला चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है भवन निर्माण नहीं हो पाया है, तो क्या है वो प्राथमिक शाला के भवन में ही अपनी क्लासें लगा रहे हैं, जिसके कारण हमारे बच्चों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैसी परेशानी हो रही है वहाँ पर? सर वहाँ पर क्या है सुबह हमारे बच्चे छोटे हैं प्राथमिक शाला वाले, जिसके कारण क्या है 8:30 से 9 बजे तक के स्कूल पहुँचते हैं, फिर क्या है थोड़ी देर पढ़ाई होती है उनको, उनकी पढ़ाई होती है 1-2 घंटे लगती है, उसके बाद में फिर खाना उना खाए, थोड़ी देर पढ़ाई हुई और उसके बाद में छुट्टी हो जाती है, और फिर दिन भर सर हमारे गांव क्या है नदी नाले वाला है, वैसे भी पुल उल तो बनानी है, कई बार आवेदन लगा चुके हैं, कोई सुनवाई तो है नहीं अपने गांव की, तो क्या है उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि कम से कम जो मिडिल माध्यमिक शाला का भवन अगर निर्माण हो जाता है तो जो हमारे प्राथमिक शाला वाले बच्चे हैं वो कम से कम नियमित रूप से अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान भी देंगे, और जो उनका टाइम वेस्टेड हो रहा है 12 बजे से के बाद में कहना चाहिए मम्मी पापा काम में चले जाते हैं, फिर दिन भर पूरा खेलने में कुत्ते बिल्ली के साथ में नदी वर्ल्ड 7 वंडर पब्लिकेशन अमरावती के तत्वाधान में आयोजित निसर्ग पर्यटन प्रेरणा महासम्मेलन 2019 में जिला अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निलय जैन को मध्य भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर निलय जैन को यह पुरस्कार महाराष्ट्र राज्य के पालक मंत्री प्रवीण पाटिल के हस्ते प्रदान किया गया, जो पूरे जिले के लिए गौरव की बात है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक डॉक्टर जैन ने मानव जीवन की आत्मकथा नामक एक पुस्तक लिखी है, जो मानव जीवन के चक्र को प्रदर्शित करने वाली प्रेरणा से भरपूर थी, जिसका संज्ञान लेते हुए निसर्ग पर्यटन प्रेरणा महासम्मेलन 2019 में श्री जैन को मध्य भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मैंने जो ये पुस्तक लिखी है मानव जीवन की आत्मकथा, सबको ऐसा लगता होगा कि डॉक्टर है इतना मैं बिजी रहता हूँ आप लोगों की और भगवान की दुआ और दूसरे मेरे फैमिली से अच्छी, और मैं बहुत पता अपनी जगह काफ़ी बिजी हो जाता हूँ अपने प्रोफेशन को लेकर, लेकिन चूंकि मेरे अंदर शुरू से ही कुछ चीज़ें थी जिसे मुझे पुस्तक लिखना मजबूर किया, तो ये जो चीज़ें थी उसकी वजह से मैं आज ये पुस्तक लिख पाया, और मैं पिछले 2012 या 2013 से मैंने 13 जनवरी से पुस्तक लिखना शुरू की थी, जो 2018 में जाके पूरी हुई, 5 साल में मैंने अपनी किताब मानव जीवन के आत्मकथा पूरी की। बैहर रोड पर रास्ते में नक्सली वेशभूषा धारण कर दहशत फैलाने वाले फर्जी नक्सलियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने से पूरे बैहर क्षेत्र में हर्ष का माहौल है, जिसको लेकर मंगलवार को सर्व धर्म सेवा समिति उकवा के पदाधिकारियों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक सहित उनकी पूरी टीम को शॉल और श्रीफल भेंट कर उनका सम्मान किया। पुलिस का सम्मान करने पहुंचे सर्व धर्म सेवा समिति उकवा के पदाधिकारियों ने बताया कि विगत दिनों फर्जी नक्सली बनकर कुछ दहशतगर्दों द्वारा राहगीरों को डराया धमकाया जा रहा था, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल था। और विगत कुछ दिनों से कुछ दहशतगर्दों द्वारा बालाघाट जिला, जो कि शांति रमन का प्रतीक है, इस जिले की फिजा को बदनाम करने के नियत से कुछ दहशतगर्दों द्वारा दहशत फैलाई जा रही थी, तो नक्सली वेशभूषा में फर्जी नक्सली बनकर लोगों को डराने और धमकाने का काम करते थे। चूँकि हम लोग जिला मुख्यालय से काफ़ी दूर रहते हैं, कई बार हमें जिला मुख्यालय आना पड़ता है, चाहे इलाज के लिए हो या सरकारी कार्य के लिए, हम लोग जब आते थे तो चूँकि रास्ते में इतना ज़्यादा भय व्याप्त था कि रात के समय पर कोई भी गाड़ी वाहन चालक आने में असमर्थ रहता था। विगत दिनों
ऐसे जो फर्जी नक्सली के नाम से लोग लूटते थे, डराते थे, उन लोगों को गिरफ्तार किया। जैसे ही हमें गिरफ्तारी की खबर पता चली, निश्चित तौर पर पूरे बैहर क्षेत्र ही नहीं पूरे एरिया में हमारे पूरे ज़िले में हर्ष व्याप्त है, चूँकि हम लोग बहुत ज़्यादा प्रताड़ित थे इस बात से कि आए दिन हमें जब भी मुख्यालय आना होता था हम लोग नहीं आ पा रहे थे। इस बात के लिए आज पूरे हमारे सर्वधर्म सेवा समिति की पूरी टीम जिला मुख्यालय आकर माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय का, हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आदरणीय विजय डावर साहब का, आदरणीय संदेश जैन साहब और आदरणीय आकाश भुरिया साहब और उनकी पूरी टीम का हमने साल श्रीफल से सम्मान किया। निश्चित तौर पे पुलिस की इस पहल से पूरे क्षेत्र में पुलिस और जनता के बीच में मधुर संबंध स्थापित होंगे और पुलिस के प्रति एक और विश्वास कायम हुआ है। किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम दिलाने एवं उन्हें बिचौलिए एवं दलालों के शोषण से बचाने के लिए चालू वर्ष 2019-20 में किसानों को शासन द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी के लिए जिले में 21 केंद्र बनाए गए हैं और शासन के द्वारा जारी किए गए पत्र में उल्लेख किया गया है कि इन केंद्रों में 21 जनवरी 2019 से किसानों का पंजीयन प्रारंभ कर दिया गया है और इस वर्ष गेहूं समर्थन मूल्य 1840 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। जिन समिति को समर्थन मूल्य में गेहूं खरीदी का पंजीयन केंद्र बनाया गया है किंतु आज तक उस समिति को शासन द्वारा पंजीयन की अधिकृत पात्रता यानी पासवर्ड जारी नहीं किया गया है, जिसके कारण समितियों से पंजीयन का कार्य नहीं हो रहा है और किसान रोजाना ही समितियों में पंजीयन करवाने के लिए चक्कर लगा रहे हैं और किसानों का पंजीयन नहीं होने से किसानों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं किसान जी। आपका नाम? कोठूलाल शरणागत। कहाँ रहते हैं आप? ग्राम झाड़ीवाड़ा। और किस काम से आए थे आप सोसाइटी? यहाँ गेहूँ का पंजीयन कराने के उद्देश्य से आया था। इसके पहले भी दो बार आ चुका मैं, वहाँ पे जो डेट लिखी हुई है यहाँ के कर्मचारियों ने जानकारी दी कि बोले 5/1 से पंजीयन चालू है। जी जी। इसके बाद मैं दो बार यहाँ पर आया जी, लेकिन वही जानकारी दी कि शायद सॉफ्टवेयर नहीं है, उसकी जानकारी नहीं है, कोई फार्म नहीं आया, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर नहीं आया आपको? हाँ, इस टाइप की जानकारी दी। तो 5/1/7 लास्ट डेट बताया था उन लोगों ने। जी जी। तो नहीं 5/2 बताया था लास्ट, मतलब 5 फरवरी 2। हाँ, 5/1 से स्टार्ट और 5 फरवरी लास्ट बताया था। आज जाके देखा वहाँ पे तो डेट ही चेंज हो गई है, 5/2 से प्रारंभ लिखा जा रहा है, लेकिन कब तक होगी इसकी भी जानकारी नहीं। और इस प्रकार से जो है किसान परेशान हो रहे हैं। कैसे जानकारी लगी थी किसानों की जैसे यहाँ पहुँचे? पेपर के माध्यम से, और इसके पहले जानकारी लेते रहे हम लोग। जिला प्रशासन के द्वारा प्रसार किया गया था? हाँ, वहाँ से प्रसारित किया गया था। फिर हम अपने ग्राम पंचायत से सॉरी सोसाइटी में जो है वहाँ के कर्मचारी से भी जानकारी ली, उनने भी जानकारी दी। आपका नाम? मेरा नाम राधेलाल भोयर, ग्राम रेंगा टोला। अभी पंजीयन करवाने आए थे? हाँ, पंजीयन करवाने आया था। पता चला कि 21 जनवरी से पंजीयन प्रारंभ हो रहा है, परंतु यहाँ पर आकर देखे तो कोई पंजीयन चालू नहीं है। किसान को गुमराह किया जा रहा है, किसान बहुत परेशान है। यहाँ से 17 किलोमीटर दूर से आया है आदमी और वापस जा रहा है। क्या निर्देश है शासन के समझ में नहीं आ रहा है। और धान का भी अभी तक बहुत से लोग पैसा ही नहीं डल पा रहा है। शासन से बहुत परेशानी हो रही है। जैसे अभी बहुत सारे किसान भी आए होंगे यहाँ पे आपके अलावा? जी जी, बहुत सारे आए, बहुत सारे वापस जा रहे हैं, पूछ के जा रहे हैं, सोसाइटी के चक्कर काटने में मजबूर हैं, सोसाइटी के चक्कर काट रहे हैं और बहुत मतलब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो किसकी लापरवाही मानते हैं आप? ये प्रशासन की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही। जबकि पेपर में आता है तो प्रशासन के माध्यम से ही आता होगा और जानकारी जब आ जाती है तो हर आदमी पेपर को पढ़ता है और पेपर पढ़ के ही कार्यालय के चक्कर लगाना चालू कर देता है। जी, आपका नाम? सुखचंद विसर्जन। कहाँ रहते? बघोली। किस काम से आए थे आप यहाँ पर? रहता का सोसाइटी? यहाँ पर सोसाइटी में वो गेहूँ का रजिस्ट्रेशन करवाने आए थे। कैसे जानकारी लगी थी आपको? तो आपको पहले पेपर के माध्यम से लगी थी ना सर जी। तो अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे आने का? यहाँ तो अब वो और अभी तो नहीं होगा बोल रहे हैं, 5 तारीख लिख दिए उनने। ऐसा अभी नहीं होगा बोल रहे हैं? हाँ, नहीं, शासन के निर्देश थे कि एक सप्ताह पहले से शुरू हो गई थी पंजीयन की और अब तक प्रारंभ नहीं हुआ। किस तरह से परेशानी हो रही है आप लोगों को? परेशानी डेली आ रहे हैं साहब, कब तक आते रहेंगे? किसान को ऐसे भी सोसाइटी का पैसा नहीं मिला है, कब तक आते रहेंगे? अरे रोज, जैसे आपका गांव बघोली पड़ता है, कितने किलोमीटर पड़ता है यहाँ से? 10-11 किलोमीटर पड़ता है। ऐसा आने जाने में आपका 50-60 रुपए खर्च होता है और एक मजदूरी भी जा रही है आपकी, अगर कहीं काम में जाते हैं तो? अब क्या करें साहब, परेशानी है, इसीलिए तो आ रहे हैं और बोल रहे हैं आपके सामने। परेशानी तो बहुत ज़्यादा है, धान बेचे उसका पैसा नहीं मिला, 1 महीना हो गया अभी। अरे शासन गुमराह कर रही है, गुमराह। सर आपका पूरा परिचय? मैं डीए कुमार है, शाखा भवन वारासुनी। सर, शासन के द्वारा गेहूँ के पंजीयन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है और अपने यहाँ वारासुनी में वृत्ता का सेवा सहकारी समिति को केंद्र बनाया गया। हाँ। पर यहाँ सर पंजीयन की प्रक्रिया प्रारंभ, यहाँ पे कहना आ रहा है कि उसके ऑनलाइन अपलोड नहीं हुआ, डाटा नहीं हुआ, कोई फार्म नहीं आए। अब उसकी प्रक्रिया चालू है, ठीक है, ऑनलाइन कराने की प्रक्रिया चालू चल रही है बालाघाट से।
जब जैसी होती है वैसे पंजीयन कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। सर पेपर के माध्यम से आ रहा है पंजीयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, 5 फरवरी लास्ट डेट थी, तो किसान रोजाना चक्कर लगा रहे हैं यहाँ से। नहीं 5 फरवरी तो नहीं होगी सर, उनके द्वारा बताया जा रहा है पेपर के माध्यम से जानकारी मिली थी। नहीं अभी वो उसकी जानकारी बता रहा हूँ मैं आप, ये 23/2 है हो गई जी जी 23 फरवरी। हाँ हाँ, और प्रारंभ की डेट क्या सर इसमें? ये प्रारंभ तो अब अपनी इसे जनवरी से ही हो गया था, 31 जनवरी से ही हो गया था प्रारंभ, अने 23 फरवरी लास्ट डेट। हाँ लास्ट डेट है। वारासुनी के एसएसपी कॉलेज की प्राचार्य के खिलाफ आर्थिक अनियमितता के आरोप की जांच करने नेक टीम कॉलेज पहुंची और आवश्यक जांच की। जांच टीम में पीजी कॉलेज के प्राचार्य प्रवीण श्रीवास्तव, लैब टेक्नीशियन जीएल डोहरे ने शिकायत के आधार पर विगत वर्ष के नेक विजिट के दौरान होने वाले खर्च, खरीदी एवं अन्य कार्यों में हुई आर्थिक अनियमितता संबंधित 13 बिंदुओं पर जांच की। मामले के संदर्भ में पीजी कॉलेज के प्राचार्य प्रवीण श्रीवास्तव ने क्या कहा, आइए जानते हैं। शासकीय महाविद्यालय वारासुनी में जो भी कुछ दिनों पहले नेक से इंस्पेक्शन हुआ था उस पर जो व्यय हुआ है उसमें शिकायत है कि कुछ अनियमितताएँ की गई हैं, 10-12 पॉइंट हैं। किसके द्वारा शिकायत की गई? ये अजय बांगरे हैं जो जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष ये सदस्य हुआ, और माननीय बोध सिंह भगत जो हमारे सांसद महोदय हैं उनके प्रतिनिधि हैं। सर बिंदु में क्या क्या उसमें? बिंदुओं में बहुत सी बातें थी, जैसे अभी आपने देखा उसकी आपने फोटो ली है, ये तो आपको है आपके पास है ना, मिल जाएगा। सर क्या पाया आपने इसमें? हमने प्राचार्य से उसका उनका प्रतिवेदन मांगा है प्रमाण सहित कि अपने स्पष्टीकरण दें। मतलब कितने दिन की मोहलत दी उन्होंने? नहीं हमने उनको 5 दिन पहले पत्र दे दिया था। अच्छा। तो अभी सब छाटी पत्र वगैरह छाट के वो फोटो कॉपी कर अभी दे रहे हैं शाम को 5 बजे तक। आप यहीं हैं 5 बजे तक? अब क्या हुआ आगे सर उसमें इस पर मामले में? बिंदुवार हमको अपना प्रतिवेदन अपने उच्च अधिकारी को प्रेषित करना होगा प्रमाण सहित कि क्या सही है क्या गलत है। आप प्रेषित करें? हम प्रेषित करें। सर अगर सही शिकायत पाई जाएगी तो क्या कार्रवाई की जाएगी? अब ये तो निर्णय लेंगे उच्च अधिकारी, लेंगे किस स्तर की वो शिकायत है और क्या उसकी गंभीरता है उसी अनुसार। आर्थिक अनियमितता संबंधी शिकायत है? नहीं आर्थिक अनियमितता है उसमें, मतलब जो शिकायत है वो आर्थिक अनियमितता की है, पर वो कितनी हुई है ये वो लोग निर्णय करेंगे हमारे प्रतिवेदन पर। सर आपने कुछ बिंदु देखे होंगे तो आपको कुछ समझ आया हो? बिंदु को आप जैसे व्हाइट वॉश की बात कर रहे हैं या स्टेशनरी खरीदी है या हुआ है, तो क्रय नियमों का पालन नहीं किया गया ये उसमें जो एक बात आ रही है। सर अभी तक आपने इतना जांच कर उसमें कुछ गलती पाई गई है अभी? नहीं जहाँ तक क्रय नियम की बात है उसमें अभी हम अभी जो 4-6 जगह हमने देखा उसमें क्रय नियम की स्थिति ऐसी तो नहीं लग रहा है कि पालन नहीं हुआ। आपका पूरा नाम? अजय बांगरे, सांसद प्रतिनिधि शासकीय महाविद्यालय वारासुनी। नेट के संबंध में शिकायत की जांच टीम भी आई महाविद्यालय बालाघाट से, तो क्या था मामला पूरा? नेक के टीम नेक की नेक मूल्यांकन के दौरान भारी मात्रा में यहाँ पे भ्रष्टाचार किया गया। जैसे भोजन व्यवस्था में लाखों रुपया का बिल लगाए बैतूल रास्ते में बगैर निविदा के, और 250 रुपये थाली के भाव से यहाँ पर खाना बुलाया गया है। मेरे ख्याल से 250 रुपये थाली वारासुनी बालाघाट में बहुत बड़ी रेंज जाती है। साथ ही यहाँ जो चीज़ें एलेवन से खरीदना चाहिए, जो सरकारी शासकीय दुकान से खरीदना चाहिए, इन लोगों ने डायरेक्ट खरीदी की है। डायरेक्ट खरीदी कर ली बिना बगैर निविदा के, बगैर किसी इसके टेंडर के। और कितने बिंदु थे आपके इसमें? मेरे 13 बिंदु है इसमें। जैसे कोई टेंडर होता है हम लोग 5 लाख का कोई टेंडर करा रहे हैं, मैडम ने 10-10, 20-20 हज़ार करके पूरे बिल निकाल दी। क्या मान टेंडर को तोड़ लापरवाही? भारी लापरवाही यहाँ की प्रिंसिपल की है, प्राचार्य महोदय की भारी। और कोई मिला हुआ है इसमें इनके साथ में? क्योंकि वो अकेले कर रही हैं, क्या और कोई भी मिलेगा? अच्छा जिम्मेदारी तो प्राचार्य की होती है शायद, और चूंकि बार बार शहर के गणमान्य लोगों द्वारा यहाँ पे बार बार RTI लगा करके कहीं ना कहीं जनभागीदारी समिति को घेरे में लिया जा रहा था, तो हमारा ये प्रयास था कि कहीं ना कहीं दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, जाँच हो जाए, कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाएगा कि हमारी जनभागीदारी समिति का कोई वो नहीं। किस पद पे हैं? मैं यहाँ प्रभारी प्राचार्य के पद पे हूँ। आपके खिलाफ 13 बिंदुओं को लेकर आर्थिक अनियमितता को लेकर शिकायत दर्ज हुई है, जिसके जिसमें मतलब जांच टीम भी आई, क्या कहेंगे आप इसमें? जो 13 बिंदुओं में शिकायत की गई है वो बिल्कुल बेबुनियाद है, निराधार है, उसका कोई बेस नहीं है, और मैं किसी भी बिंदु से सहमत नहीं हूँ। मेरे खिलाफ जो शिकायत की गई है उसके प्रमाण सब कुछ है, जांच कमेटी को उपलब्ध करा दी जाएगी और जांच कमेटी अपना काम कर रही है। आज जांच टीम भी पहुंची मैडम, तो उनकी रिपोर्ट जो प्रसिद्ध किए आपने उन्हें दिए कि 5 बजे तक आपके द्वारा प्रसिद्ध किया जाएगा उनके पास? हाँ बाद में प्रस्तुत किया जाएगा। जो आरोप लगाए जा रहे हैं मैडम क्या मानते हैं इसको आप? निराधार है, बेबुनियाद है,
मेरे खिलाफ एक तरह की साजिश है, षड्यंत्र है, और वो साजिश और षड्यंत्र में अप्रूव तो अभी मेरे पास नहीं है, पर वो यहीं के लोगों के द्वारा की गई, मतलब महाविद्यालय कर्मचारी से सब मिले हुए हैं, इन्हीं लोगों के द्वारा ही यहाँ से, देखिए जो यहाँ की गोपनीय जानकारी है वो बाहर तक गई। अजय बांगरे जो शिकायत करता है वो बाहर का व्यक्ति है। तो मैडम जो अपन जो व्यय है वो इतना पारदर्शी नहीं था, उसको गोपनीय क्यों रखा गया? आप बोल रही हैं कि गोपनीय चीजें हैं, उसको गोपनीय नहीं कह रही हूं मैं, व्यय गोपनीय नहीं है, वो तो हम सारे सूचना के अधिकार के तहत दे चुके, पहले से ही देते आ रहे हैं, दे चुके हैं, वो तो पारदर्शी है, पूरी तरह से पारदर्शी है। गोपनीय किस बात का? गोपनीय ये है कि यहाँ की जो जानकारी है, महाविद्यालय की जानकारी बाहर वालों को दी गई, यही सारी जानकारी। नगर मुख्यालय में संचालित एजुकेयर पब्लिक स्कूल के नए भवन का भूमि पूजन समारोह 5 फरवरी को सुबह 11 बजे साइफन रोड अमोली में आयोजित किया गया। कार्यक्रम वरिष्ठ कांग्रेसी रवि अग्रवाल, एजुकेयर पब्लिक स्कूल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैलाश अग्रवाल सहित अन्य अतिथियों की प्रमुख उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर सर्वप्रथम पंडित विमल प्रसाद मिश्रा के द्वारा जजमान डॉक्टर अरुण लालगे धर्मपत्नी श्रीमती ओजस्वी लालगे की उपस्थिति में मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत पूजन अर्चना करवाई गई, जिसके बाद समस्त अतिथियों ने भूमि में कुदाल चलाकर भवन की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एजुकेयर पब्लिक स्कूल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैलाश अग्रवाल ने कहा कि सिर्फ जिज्ञासा का लेकर ही स्कूल खोला गया था, और जिस समय स्कूल का शुभारम्भ किया गया था उस समय उनके द्वारा कहा गया था कि हम मूल्य के नहीं बल्कि मानवीय मूल्यों के लिए स्कूल प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें निश्चित तौर पर हमारे युवा साथियों की टीम व स्टाफ ने मूल्यों के लिए ही काम किया है। श्री अग्रवाल ने कहा कि संस्था का उद्देश्य पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को बेहतर संस्कार देना भी है। सिर्फ जिज्ञासा को लेकर ही ये स्कूल खोला गया था, और जिस समय इसका शुभारंभ हुआ था इस स्कूल का, उस समय मैंने कहा था कि हम मूल्य के लिए नहीं मूल्यों के लिए स्कूल का प्रारंभ कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे हमारे पूरे युवा साथियों की टीम, हमारे स्टाफ ने सबने मूल्यों के लिए ही काम किया है। बच्चों को संस्कार देना, बच्चों के ट्रीटमेंट कराना, बच्चों को आउटिंग पे ले जाना, बच्चों की पूरी केयर करने का काम, बच्चों को जैसे हमारे स्कूल में कार्यक्रम होता है दादाजी के चरण पूजन वाला, विगत 3 वर्षों से कंटिन्यू हो रहा है, तो एक बच्चों को संस्कार देना कि हम बुजुर्गों का सम्मान कैसे करें, उसका एक संदेश जाता है। कुल मिला के हम मूल्यों के लिए काम, बच्चों में संस्कार देने के लिए कार्य करने का काम कर रहे हैं। अब इसको बृहद स्तर पर करना चाहते हैं, इसलिए लगभग साल भर पहले हमने ये जमीन को क्रय किया था, और बहुत शीघ्र ही हमारा लक्ष्य है कि 2 साल में हम यहाँ पर बिल्डिंग को कंप्लीट कर लें। सर आपका परिचय? अमित तिवारी। हाँ सर, कौन सा कार्यक्रम किया जा रहा है यहाँ पे आज? लालबर्रा में विगत 2 वर्षों से एजुकेयर पब्लिक स्कूल एक हम सब ने मिलकर यहाँ पर खोला, 6 डॉक्टर्स और बाकी कुछ व्यापारी हैं, सबसे मिलकर 11 लोगों ने हम लोग को ये एजुकेयर पब्लिक स्कूल खोला है, जो विगत 2 वर्षों से किराए की बिल्डिंग में चल रहा है, और अब समय आ गया कि हम एक बहुत बृहद रूप में इस कार्यक्रम को, इस बिल्डिंग को, एक भवन का निर्माण हम करें, इसलिए हमने आज 5 एकड़ जमीन के यहाँ पर जो क्रय किया है उसमें एक भूमि पूजन का कार्यक्रम आज यहाँ पर रखा गया है, और बहुत शीघ्र यहाँ पर एक प्रस्तावित जो बिल्डिंग है उसका निर्माण कार्य हम यहाँ पर आरम्भ करेंगे। सर कौन सी क्लास तक के स्कूल संचालित था अभी तक के? अभी 8 तक स्कूल यहाँ पर चल रहा है, नेक्स्ट ईयर यहाँ पर 9 तक स्कूल लगेगा। सर हिंदी मीडियम है कि इंग्लिश मीडियम में संचालित किया जा रहा है? पूर्णतः इंग्लिश मीडियम स्कूल है इसमें। तो सर बच्चों क्या क्या सुविधाएं मुहिम कराई जाएंगी यहाँ पे स्कूल में? देखिए, तो बहुत बड़े कैंपस में, 5 एकड़ कैंपस में ये बनेगा, यहाँ पर प्लेग्राउंड बहुत बड़े स्तर पर, लाइब्रेरी रहेगी और लैब रहेगा, प्लेग्राउंड बहुत बड़े स्तर पर रहेगा, ऑडिटोरियम रहेगा, और स्मार्ट क्लासेज हैं, सभी स्मार्ट क्लासेज रहेंगी, और इंडोर गेम, सीसीटीवी कैमरे से लैस पूरा प्रांगण रहेगा हमारा। तो कब तक के बनके तैयार हो जाएगा यहाँ? देखिए, अब तो शुरुआत है और इस पे अब काम शीघ्र चालू होगा। और स्थानीय शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम अंतर्गत संचालित समाज कार्य से स्नातक पाठ्यक्रम की कक्षाओं का
नियमित संचालन नहीं होने से BSW के छात्र छात्राओं के द्वारा 5 फरवरी को दोपहर 12 बजे तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार की अनुपस्थिति में कानून गो शाखा प्रभारी MR धरड़े के माध्यम से मुख्यमंत्री व कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। चर्चा में BSW के छात्र रोहित सोनी ने बताया कि वे CMCLDP की लगातार कक्षाएं लगती रही थी एवं 2 से 3 बार फील्ड वर्क भी उन्होंने किया था, लेकिन शासन के द्वारा वह बंद कर दिया गया है। कक्षाएं क्यों बंद की गई हैं इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। हमारी मांग है कक्षाएं नियमित चालू रहें, जिसको लेकर उनके द्वारा मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है। यदि हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो आगामी दिनों में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। तृतीय वर्ष की छात्रा दमयंती डोरस ने बताया कि प्रथम वर्ष से लेकर तृतीय वर्ष तक सभी कक्षाओं की फीस सबमिट हो चुकी है, जिसमें प्रथम वर्ष की 4700 रुपए व द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की 3700 रुपए प्रदान की गई। वर्तमान में कक्षाएं बंद कर दी गई हैं, जिससे पढ़ाई में दिक्कतें हो रही हैं। समय पर कोर्स नहीं होगा तो परीक्षा में परेशानी होगी। मई जून में मुख्य परीक्षा हो जाती है, लेकिन कक्षाएं निरंतर बंद रही तो परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मैम, आपका परिचय? मेरा नाम दयावंती डोरस है, मैं BSW थर्ड ईयर की छात्रा हूँ और CMCLDP की ओर से कुछ बोलना चाहती हूँ। उसमें ये हमारे फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक सभी क्लासेस की फीस सबमिट हो चुकी है और उसके कितनी फीस लिया गया आपसे? ईयर वाइज से तो इसमें फर्स्ट ईयर की 4700 है और प्लस सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर की 3500 रुपये है। तो आप 3700 रुपये, तो क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या वही है कि हमारी क्लास मतलब बंद कर दिए गए, तो उसकी वजह से हमको पढ़ाई में दिक्कतें पैदा हो रही है। मतलब समय पे कोर्स नहीं होगा तो हमारी एग्जाम नहीं हो पाएगी, और मतलब अर्धवार्षिक भी एग्जाम होती है लेकिन उसके मई जून में हमारी मेन एग्जाम हो जाती है, लेकिन अगर क्लासेस बंद रहे निरंतर तो हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे और शायद एग्जाम भी। जैसे कि आपने अभी आके तहसील में ज्ञापन सौंपा है, तो क्या लग रहा है आपको, आपका निराकरण हो पाएगा यहाँ पे? हम पूरी उम्मीद करते हैं कि हमारा निराकरण यहीं पे हो जाए, अगर ना हो तो फिर हम कलेक्टर ऑफिस में जाके उसको और ज्ञापन दें। मेंटर्स दामेंद्र प्रसाद हरिणखेड़े ने बताया कि BSW कोर्स की कक्षा को आगामी आदेश तक के लिए बंद रखा गया है। मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम BSW में मेंटर में पदस्थ हूँ। क्या समस्या को लेकर आप इसके अंतर्गत जो मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम संचालित है, तो अभी 4 रविवार यानी 4 सप्ताह से इस क्लास को आगामी आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है और पूरे फील्ड वर्क भी बंद रखा गया है। इसी संबंध में सर, क्यों बंद रखा है, आपको जानकारी इस चीज़ की? आगामी आदेश मतलब सर, अभी तक व्हाट्सएप से मतलब हमको मैसेज आ रहा था और एक मतलब लेटर आया है निदेशक के द्वारा, मुख्य कार्यपालन निर्देशक के द्वारा, कि आगामी आदेश तक के क्लासों को बंद रखा जाए। स्थानीय तहसील कार्यालय में आए दिन प्रभारी तहसीलदार नितिन कुमार चौधरी के ना रहने से दूरदराज से आने वाले ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित निराकरण नहीं हो पा रहा है, जिससे आमजनों के साथ ही स्थानीय अधिवक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पद्मेश की टीम ने 5 फरवरी को तहसील कार्यालय का जायजा लिया तो पाया कि प्रभारी तहसीलदार कार्यालय में उपस्थित नहीं थे, जिससे प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में अपनी फरियाद लेकर आने वाले फरियादियों को वापस लौटना पड़ा। पद्मेश से चर्चा में तहसील कार्यालय में प्रैक्टिस कर रहे अधिवक्ताओं ने बताया कि तहसीलदार के ना रहने से बहुत से केस पेंडिंग रह जाते हैं, जिससे अधिवक्ताओं के साथ ही दूर दराज से आने वाले ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तहसीलदार के नहीं रहने से आवश्यक कार्यों के लिए ग्रामीणों को तहसील कार्यालय के बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। आपको परिचय?
मैं एडवोकेट के आर हूँ। क्या एक्चुअल में मेरे पास अभी दो तीन केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, मेरे पास तैयार पेश करना है। अभी तीन दिनों के मेरे पास साहब नहीं मिल रहे हैं, सैटरडे भी नहीं थे, मंडे भी नहीं थे, आज भी नहीं है। और पता नहीं, अब उन पता करने पूछे, हमने न्यायालय में पता किए तहसीलदार साहब कहाँ हैं, तो उन्होंने बताया कि अभी बालाघाट में मीटिंग में है, तो अभी मुलाकात नहीं हो पाएगी। इसके अलावा क्या क्या दिक्कतें आप देखते हो यहाँ पे? बहुत सारी दिक्कतें तो हैं, कम से कम यहाँ पे एक तहसीलदार होना चाहिए, एक नायब तहसीलदार तो है ही, तहसीलदार होना चाहिए। क्या काम पेंडिंग है बहुत सारे, तो उनके निराकरण के लिए एक अतिरिक्त पोस्ट तो होना चाहिए, तहसीलदार साहब की नियुक्ति होना चाहिए लालबोरा में, और सख्त आवश्यकता है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति, अगर एक तहसीलदार साहब अगर लालबोरा से अगर मतलब मीटिंग में जा रहे हैं कहीं। सर आपका परिचय? मैं प्रेमेंद्र हरिणखेड़े, रीडर, तहसीलदार। कहाँ गए हैं तहसीलदार साहब? तहसीलदार साहब बालाघाट गए हुए हैं, आज भी टीएल मीटिंग है, कल भी टीएल मीटिंग में गए हुए थे, काफ़ी विलम्ब हो गया, तो लगभग 5:30 बजे तक यहाँ पे पहुँचने की उम्मीद थी। मैं तो खुद बालाघाट चला गया था ऑफिशियल काम से। नहीं तो जैसा अभी पिछले हफ्ते भी 2-3 दिन शायद, हाँ पिछले हफ्ते 31 तारीख की रात में साहब को भोपाल जाना था, कुछ उनकी मतलब किसी मीटिंग में उनको शामिल होने के लिए, शासकीय कार्य से वो है, तो 1 और 2 तारीख को भी तो भोपाल में पदस्थ रहे। लालबर्रा में निर्माणाधीन मंडी विभाग की 2 मंजिला इमारत यानी कॉम्प्लेक्स का 4 फरवरी को दोपहर 2 बजे पूर्व मंडी सदस्य व सेवा सहकारी समिति खमरिया पूर्व अध्यक्ष हरलाल देशमुख व ब्लॉक कांग्रेस प्रवक्ता मनीष कुशवाहा के द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि निर्माणाधीन स्थल पर घटिया क्वालिटी की मिट्टी युक्त रेत रखी हुई थी, जिससे सीमेंट कॉन्क्रीट का मसाला तैयार किया जा रहा था। यह देखकर श्री देशमुख के द्वारा तत्काल आपत्ति ली गई, जिसके बाद आनन फानन में ठेकेदार ने जेसीबी मशीन व डंपर बुलाकर परिसर में रखी लगभग 3 डंपर रेत का अन्यत्र स्थान पर परिवहन करवा दिया। वहीं दूसरी ओर मौके पर शेष बची घटिया क्वालिटी की रेत से सीमेंट कंक्रीट का कार्य बदस्तूर जारी रहा। इस दौरान पूर्व सोसाइटी अध्यक्ष श्री देशमुख ने तत्काल घमेला बुलवाकर मिट्टी युक्त रेत का मौके पर परीक्षण करवाया, जिसमें पाया गया कि रेत में मिट्टी की लगभग 35% मात्रा मिली हुई थी। रेत में मिट्टी मिली जाने पर समस्त उपस्थित जनों ने काफी हैरत व्यक्त करते हुए कहा कि यदि इस रेत से इमारत का निर्माण किया जाएगा तो इमारत अधिक दिनों तक स्थायी रूप से खड़ी नहीं रह पाएगी। वहीं इमारत में बैठकर व्यवसाय करने वाले लोगों पर हमेशा खतरा मंडराता रहेगा। सोसाइटी अध्यक्ष हरलाल देशमुख ने जिला प्रशासन से मांग की है कि वे तत्काल 2 मंजिला इमारत के निर्माण में उपयोग की गई रेत एवं सीमेंट कंक्रीट का सैंपल लेकर लैब टेस्ट करवाएं एवं निम्न गुणवत्ता का कार्य करवाने वाले ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही संपादित करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की अनहोनी की घटना होने से रोका जा सके। मेरे को कोई काम वाहवाही नेतागिरी क्या होती इससे मतलब, मैं जहाँ मतलब खड़ा हूँ वहाँ मेरे को लगना चाहिए कि मैं काम कुछ अच्छा करा रहा हूँ। पब्लिक क्या कहेगी? जब मेरे कुछ काम पसंद नहीं आ रहा है तो पब्लिक को कहाँ से पसंद आएगा? यहाँ बोलने वाला है कोई क्षेत्र में इतने क्षेत्रकार लोग, आप में हाँ हो ना, नाम उत्तर दो तो लालबर्रा क्षेत्र बालाघाट में आज तक जो मंत्री 10 साल तक रहा, समझ रहे हो ना, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आप लोगों सबका ये क्षेत्र का जेठ लगता है, वो बड़ा ऐसा लगता है कि उसको बोलना मतलब मर जाए। क्या आगे मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कार्य हो रहा है आप लोगों से कुछ क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, ये जो तुमने अभी ट्रांसपेरेंट देखा रेत, तुमको क्या लगता है
कैसी आज तक सब मतलब क्या है। इस निरीक्षण के दौरान एसपी घाटे व रूपसेन देशमुख सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आपको परिचय? मैं रूपसेन देशमुख। कहाँ रहते हैं आप? भोटी। ये जो अभी जो रेत का जो परीक्षण यहाँ करके देखा गया, क्या लगा रेत में? किसी मिट्टी की मात्रा लगा रही है, ज़्यादा है, मतलब प्योर रेत नहीं है। मेन मिट्टी है फुल मिला के, टोटल मिट्टी की नहीं कह सकते उसको, लेकिन मिट्टी की मात्रा ज़्यादा, मतलब 25-30% होगी, ये जो बिना जुड़ाई के जो ईंट नीचे दबाए गए हैं यहाँ जमीन के अंदर, ऐसा क्यों किया आपने? नहीं, अभी इसके ऊपर रंगत चलेगी। तो क्या है, जो साहब ने बोला था कि अभी तो इसकी चिराई है, वो जो अपना मटेरियल है सेंड और रेत का उससे नहीं करेंगे, अभी इसके ऊपर कॉन्क्रीट चलेगा। कॉन्क्रीट चलेगा, मगर फिलहाल ये जो ईंटें आपने ऐसी मटा दी बिना किसी लाइन, अभी क्या लाइन पे नहीं लिया मैंने उसको, लाइन में अभी बाद में लेके होगा, पहले क्या है अभी तो मिट्टी डल गई ना, ये तो दब गए ना अंदर, वो एक्चुअल में क्या है तो लेबर की वजह से हुआ है, अभी एक्चुअल पर्टिकुलर मैंने किया नहीं है। और ये जो रेत जो है बिना छनी हुई जो डल रही है और उसमें जो मिट्टी जो मिली हुई रेत में, क्या है गुणवत्ता इसकी? वो एक्चुअल में क्या है, वहाँ से रेत आई है ना, उसकी वजह से हुआ है। कहाँ से आई है रेत? ये बालाघाट। ये रेत इतनी ख़राब क्यों है? मिट्टी मिली हुई रेत क्यों ला रहे हैं आप लोग? आप इंजीनियर हैं, आपको दिख रही है रेत? हाँ, मिट्टी मिली उसमें? मैंने टेस्ट तो नहीं किया है। बिना टेस्ट की रेत चल रही है यहाँ पे? मैंने देखा नहीं उस रेत को। और भी डली थी वो कहाँ गई? और रेत यहाँ बहुत सारी डली हुई थी, वो रेत कहाँ चली गई? नहीं, यहीं पर उसी को क्या है वहाँ से डंप करके इस जगह लाया था। यहाँ 3-2 डंपर और रेत गिरी हुई थी। हाँ, तो वही तो है, वो रेत कहाँ चली गई? यही है, उसके अलावा में 2 डंपर रेत गिरी हुई। मध्य प्रदेश वन विकास निगम लामता परियोजना मंडल परिक्षेत्र लालबर्रा अंतर्गत वन विभाग की टीम ने मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर ग्राम सेलवा में 4 फरवरी को छापामार कार्रवाई करते हुए बल्लियों से भरे ट्रैक्टर को जब्त किया है। पद्मेश से चर्चा में परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी उमाशंकर सोनी ने बताया कि 4 फरवरी को सुबह 11 बजे मुखबिरों से यह सूचना मिली थी कि ग्राम सेलवा में बल्लियों से भरा ट्रक खड़ा है, जिसके बाद संभागीय प्रबंधक एस मेहता के निर्देशन में वन अमले के द्वारा दोपहर 1:30 बजे ग्राम सेलवा में नहर के पास गश्त करते हुए ट्रैक्टर क्रमांक MP50A2853 को जब्त किया गया, जिसमें अवैध रूप से बीजा, साजा, शॉल, तिलसा, सतकट्टा प्रजाति की 16 बल्लियां पाई गई हैं। श्री सोनी ने बताया कि इस मामले में कार्यवाही करते हुए बल्लियां व परिवहन में प्रयुक्त वाहन को जब्त किया गया है एवं आरोपी ड्राइवर सेलवा निवासी महेश मरकाम व बबरिया निवासी शोभा राम पिता वसुंधरा कुंबी को गिरफ्तार किया गया है। सर, क्या कार्रवाई की गई? कल हमको 11 बजे सूचना मिली, कल मतलब 4-2 को जी, 4-2 को 11 बजे सूचना मिली कि एक ट्रैक्टर भर के मतलब बल्लियों से सेलवा में खड़ा है जी। हमने तुरंत अपने स्टाफ को, अपने कर्मचारियों को भेजा कि ट्रैक्टर का पता लगाइए हैं और देखिए बल्ली में पट्टा है, रस्सी की देखे नहीं है ट्रैक्टर की, तो पता लगाइए। जब वहाँ उन्होंने जाके पूछे ड्राइवर से, तो उनके पास ऐसा कुछ नहीं पाया गया, बल्ली भरी पाई गई अवैध रूप से बल्ली भरी पाई गई जी। उसमें ट्रैक्टर ड्राइवर था महेश मरकाम, बल्द रति राम मरकाम, कहाँ ग्राम सेलुआ का है जी। ट्रैक्टर में 96 नग बल्ली, बीजा, तिनसा, साज और सतकटा की पाई गई, जिसका घन मीटर 0.854 है। कितनी कीमती है सर? ये लगभग 4,000 की लकड़ी है जी। फिर क्या कार्रवाई हो रही है आगे? कार्रवाई ये हो रही है उनकी जब्तीनामा की कार्रवाई पूरी करके हमने अपने अधिकारी को दिया, क्या अधिकारी को दिया हमने, जहाँ तक संभवता है ट्रैक्टर की आरोपी है उसमें? नहीं, आरोपी 2 हैं, ड्राइवर के साथ एक और बैठा था शोभा राम भर वसुंधरा कुनबी। ये कहाँ के? ये हैं अपने बाबरिया के। तो उन्हें कुछ बताया थी जानकारी कि कहाँ से लाए उन्होंने लकड़ी? बाकी बाबरिया जाने वाली थी नहीं, सेंटिंग के काम में।
जी, ये तो जंगल से लाए, खरीदी गई है लोगों से, जंगल से बुलवाई गई है, थप्पी रखवाई गई है और फिर बाद में जरूरत पड़ी ले जाते हैं। तो इसमें वाहन जब्त हो गया? वाहन जब्त हो गया जी। और जो आरोपी थे उनके लिए, उनके ऊपर कौन सी धारा से कार्रवाई जी? बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव को लेकर कलेक्टर दीपक आर्य ने ली नोडल और पुलिस अधिकारियों की बैठक, चुनाव को लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। 150 आवेदनों पर की गई हाईटेक जनसुनवाई, समस्या का त्वरित निराकरण किए जाने की दिए निर्देश। तहसीलदार के जनसुनवाई से गायब रहने पर अधिवक्ताओं में रोष। लालबर्रा में दो मंजिला निर्माणाधीन मंडी का हो रहा घटिया निर्माण, पूर्व मंडी सदस्य ने निरीक्षण कर लगाया आरोप। वन विभाग की टीम ने ग्राम सेलवा में की छापामार कार्रवाई, अवैध बल्लियों से भरे ट्रैक्टर को जब्त कर दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। और वारासिवनी एसएसपी महाविद्यालय में आर्थिक अनियमितता की जांच करने पहुंची नेक टीम, सांसद प्रतिनिधि ने की थी शिकायत, प्राचार्य ने आरोपों को बताया निराधार। तो ये थी अभी तक की खास खबरें, अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।